बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज अबाउट डाइजेशन, विच इज लेक्चर नंबर 2 इन चैप्टर नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दिस इज। ये जो डाइजेशन का लफ्ज है, ये दिखने में पढ़ने में इंतहाई सादा लफ्ज है, लेकिन किसी भी फूड स्टफ को डाइजेस्ट करना एक दिल गुर्दे का काम होता है। आप तस्वर कर लें कि इंसान के पास खाने को डाइजेस्ट करने के वास्ते 26.5 यानी 26.5 फिट 26.6 लंबा जीआईटी यानी गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, और पूरे ही डाइजेस्ट सिस्टम में फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है। माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम है, कोलोन है, अपेंडिक्स है, सीकम है। तो 26.5 फिट डाइजेस्ट सिस्टम में से गुजर कर दाना खाक में मिलकर ग्लूकोजार बनता है। तो ये 26.5 फिट डाइजेस्ट सिस्टम से गुजरने के बाद ये खाना आपका डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन का सिंपल मतलब है कन्वर्जन ऑफ इनसॉल्युबल फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म। क्योंकि आप फूड लेते हैं, उसमें पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि सेल्यूलोज और स्टार्च। अब ये पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जब तक मोनोसेक्राइड में सिंप्लीफाइड ना हो डाइजेस्ट होके, तब तक मोनोसेक्राइड सेल में नहीं जाएंगे, मेटाबोलाइज नहीं होंगे और एनर्जी जनरेट नहीं होगी। खानों के अंदर जो प्रोटीन है ये पॉलीपेप्टाइड है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल सेल के मेम्ब्रेन से एंटर हो नहीं सकता, तो ये डाइजेस्ट होके पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन फाइनली मोनोपेप्टाइड अमाइनो एसिड्स में आ सकती है, तब कहीं जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे अमाइनो एसिड्स, मेटाबोलाइज होंगे और इनमें से एनर्जी जनरेट होगी। इसी तरह से आपके जो लिपिड्स हैं, उसमें लिपिड भी एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जब तक वो डाइजेस्ट होके फैटी एसिड्स में न कन्वर्ट हो जाए, तब तक उनका भी कोई फायदा नहीं है। तो जो गिजाएं हम खाते हैं उसमें पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स होती हैं और ये लिपिड्स होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट होना पड़ेगा, वरना ये इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल सेल में अंदर दाखिल हो सकने के लायक नहीं है। तो ये सारे इनसॉल्युबल फॉर्म्स हैं और डाइजेस्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, और अब ये सेल में एंटर होने की सलाहियत रखते हैं। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ऐसे एनिमल्स जो फीड करते हैं प्लांट स्टफ पे, तो ये सारे हर्बीवोर्स कहलाते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। ये आपको आता है। आइए डाइजेशन के स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहले तो खाना आप अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे अगर आप मल्टीसेलुलर हैं, और अगर आप यूनिसेल्युलर हैं तो सेल में फूड इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड इनटू सेल और बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन का मतलब है खाना लेना। खाना इंजेस्ट कर लिया, अब जैसे अमीबा है तो वो सेल में खाना इंजेस्ट करेगा, और मैं और आप हैं तो हम माउथ में खाना इंजेस्ट करेंगे, और फिर उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। डाइजेशन की चार किस्में हैं जो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा।
मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन और इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। तो इंजेशन के बाद अगला मरहला है डाइजेशन का। डाइजेशन में क्या होता है कि इनसॉल्यूबल फूड सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉल्यूबल फॉर्म जो फूड का है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और इनसॉल्यूबल फॉर्म जो है वो पुश किया जाता है टुवर्ड्स रेक्टम ताकि वो पखाना बन के निकल जाए। ये जो फूड एब्जॉर्ब होता है इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक टिश्यूज में प्रोवाइड किया जाता है सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि वो मेटाबोलाइज होकर उसमें से एटीपी बनाए और बाकी कुछ बचता है तो उसे जमा करके, जैसे इंसान के पास अगर ग्लूकोज अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इंसान उसे ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है। आखिरी मरहला है वेस्ट प्रोडक्ट्स को इजेस्ट करने का, खारिज। अब ये मोहतरमा सेब को इंजेस्ट कर रही हैं, फूड को बॉडी में इंट्रोड्यूस करना इंजेस्ट। ये मैं आपको आपके इंटेस्टाइन की प्रोजेक्शंस दिखा रहा हूँ जिसको विलाई बोलते हैं। तो खाना जब सॉल्यूबल फॉर्म में यहाँ से मूव हो रहा होता है तो इंटेस्टाइनल विलाई इसको एब्जॉर्ब करके ले जाते हैं, पहले तो लिवर में जहाँ स्टोर होगा फालतू और फिर सर्कुलेट होगा। एसिमिलेशन मैंने आपको बताया कि इट इज ए स्टोरेज ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ द। तो इंजेशन माउथ से होती है, बीच में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, और यहां से फिर फीसिस की इजेशन होती है यानी फूड खारिज होता है। तो शुरुआत में है माउथ, एंड में है एनस। माउथ से होती है इंजेशन, एनस से होती है इजेशन, और बाकी जीआईटी के अंदर शुरुआती हिस्से में डाइजेशन और पिछले हिस्से में। टाइप्स ऑफ डाइजेशन, अगर खाना सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, जैसे मसलन अमीबा खाना लेगा सेल मेम्ब्रेन से, अब है ही अमीबा एक सेल वाला जानदार तो विद इन सेल फूड डाइजेस्ट करेगा ना, तो ये हो गया इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब होता है जैसे मैं और आप खाने को इंटेस्टाइन के बीच में जो ल्यूमन वाला पार्ट होता है या माउथ ले लें जहां पर मैकेनिकल डाइजेशन होती है, तो हमारे माउथ में खाना बीच में होता है, दांत और जुबान उसे चबा और फिरा रहे होते हैं। तो खाना अगर सेल्स के बाहर डाइजेस्ट हो रहा है जैसे ह्यूमंस में होता है तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है, मैं तस्वीर से भी समझाऊंगा, और अगर विद इन सेल डाइजेस्ट हो रहा है तो ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। फिर एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, इसमें क्या होता है कि दांतों के दरमियान खाने को जो सॉलिड फॉर्म में होता है चबाना, ये मैकेनिकल डाइजेशन है, और उसके बाद जो खाना होता है उसकी होती है केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो ये डाइजेशन की चार किस्में हैं। If the food is being digested outside the cell, this is extracellular. If food is being digested within the cell, this is intracellular. If food is being digested by pressure of the teeth and other mechanical parts of the body, तो ये mechanical digestion है, और अगर खाने पे enzymes डाल के उसे हजम किया जाता है तो ये chemical digestion। अब आप देखें ये hydra है, इसमें extracellular digestion भी होती है और इंट्रासेल्यूलर भी होती है। अब ये इसका माउथ है, यहां से इसने ये डेफनिया पकड़ा हुआ है जो इसका फूड है, तो शुरू में फूड यहां पे डाइजेस्ट होगा, ये हो गई एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन। उसके बाद ये पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है वो सेल्स में अंदर चला जाएगा जहां उसकी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होगी, मतलब सेल के अंदर होगी। तो एक्स्ट्रासेल्यूलर माना सेल्स के, ये देखें सेल्स हैं इनके बाहर और ये है सेल्स के अंदर, ये अमीबा है और इसने ये बैक्टीरियम पकड़ा है। अब बैक्टीरियम अमीबा के सेल में ही आके डाइजेस्ट होगा तो ये हो गई इंट्रासेल्यूलर माना सेल्स के अंदर ये डाइजेस्ट।
अगर मैं सवाल करूं कि हाइड्रा में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है या इंट्रा, तो जवाब आना चाहिए दोनों। पहले ये गैस्ट्रिक कैविटी में ये जो भी कीड़ा है जिसको डेफनिया कहते हैं, वाटर फिली भी कहते हैं, इसको ये अपने गैस्ट्रिक कैविटी में डाइजेस्ट करेगा और उसके बाद जो है वो मजीद फूड को ये डिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये सेल्स के अंदर डाइजेस्ट करेगा। तो इसमें दोनों डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर। मैकेनिकल डाइजेशन समझा दिया कि दांतों के बीच में सॉलिड फूड को चब, मैकेनिकल डाइजेशन है और उस पे एंजाइम्स ऐड करके उसको फाइनली फिनिश कर देना, ये केमिकल डाइजेशन। तो स्टूडेंट्स लेट अस नाउ टॉक अबाउट द ह्यूमन माउथ। ह्यूमन माउथ सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, इसमें एक तो होती है फूड की मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि जो भी आप रोटी नान चपाती चावल केक पेस्ट्री बिस्किट खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसे मैकेनिकली दांतों के जरिए, जिनकी तादाद 32 होती है, 16 नीचे के जबड़े में 16 ऊपर के जबड़े में, तो इन दांतों के जरिए से खाने को चबाकर बिल्कुल ग्राइंड किया जाता है, तो ये मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा ये होता है कि फूड के अंदर आपके माउथ में सलाइवा दाखिल होता है। अब सलाइवा बड़े काम की चीज है, इसमें 95% तो खैर वाटर है, बाकी सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है और ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करेगी कि आपके निवाले में जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करेगी, यानी सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू डाइसेक्राइड माल्टोज, क्योंकि कोई भी पॉलीसेक्राइड डायरेक्ट मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट नहीं होगा, एक उसमें इंटरमीडिएट स्टेज आती है। तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, दिस इज पॉलीसेक्राइड, दिस इज डाइसेक्राइड and this is an enzyme which is converting polysaccharide starch into disaccharide maltose. Let us now define two more terms, what is sac like digestion and what is tube like digestion. ab dekhiye ye hydra hai, iske andar sirf mouth hota hai, anus nahi hota, to jahan se ye khayega wahin se nikale, to ye system ho gaya sac like digestion aur such animals are called diploblastic, यानी इसमें खाने और निकालने के इंजेशन और इजेशन का सेम सुराख होता है। और ऐसे जानदार जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक सुराख पे मुश्तमल होता है, ये प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। और जो खाते हैं मुंह से और निकालते हैं एनस से, ये ड्यूटीरोस्टोम्स, ड्यूटीरोस्टोम्स। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा कंसंट्रेट करें। So let us now start digestion in animals. Now, how amoeba is digesting the food? Very easy. Amoeba को पानी में जब food मिलता है तो ये अपनी cell membrane को बाहर की तरफ mold करके pseudopodia बनाकर food को अंदर लाएगा, और जैसे ही फूड ये अंदर आएगा तो इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं जो लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करेंगे, और वो लाइसोजाइम एंजाइम अंदर आए हुए फूड के साथ मिलेगी और वो केमिकली उसको डाइजेस्ट कर लेगी। सो दिस इज हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम। सो दिस इज अमीबा एंड दिस इज द फूड पार्टिकल जो इसको नजर आ गया है, और ये सूडोपोडिया की मदद से फूड को अंदर ले आएगा और यूं ये सेल मेम्ब्रेन एक्ट हो जाएगी, तो ये एक वेक्यूल सी बन जाएगी जिसको कहेंगे फूड वेक्यूल। तो एक्सक्यूज मी, इसमें फूड डाइजेस्ट होगा। सो अमीबा डाइजेस्ट फूड विद लाइसोसोमल एंजाइम, और फूड इसका जिस वेक्यूल में डाइजेस्ट होता है वो फूड वेक्यूल कहलाती है। यू कैन सी हियर, ये वेक्यूल अभी बनी नहीं है, ये जब यहां से टूटेगा और सेल मेम्ब्रेन एक हो जाएगी तो ये वेक्यूल बन जाएगा।
और अमीबा में डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर माना विद सेम इज यू नो इन पैरामीशियम। पैरामीशियम अपने सीलिया की मदद से फूड को कैप्चर करके फूड वैक्यूल में ले आता है और इसके पास भी लाइसोजाइम एंजाइम होती है, गोया ये भी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करता है, सेम है। उधर सिर्फ ये था कि अमीबा था, इधर ये पैरामीशियम। अलबत्ता ये पॉइंट आपको समझा देते हैं कि पैरामीशियम के पास जब फालतू गजा होती है जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उसको बाहर निकालने के लिए एक वैक्यूल बनाता है जिसको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। हाइड्रा आपको बताया कि ये टेंटिकल की मदद से फूड को कैप्चर करके अंदर लाता है, पहले फूड की यहाँ डाइजेशन होती है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, फिर अंदर जाके फूड डाइजेस्ट होता है जो इंट्रा सेल्यूलर है। याद रखें कि हाइड्रा को एक्स्ट्रा सेल्यूलर माना सेल के बाहर फूड डाइजेस्ट करने के लिए 4 घंटे चाहिए होते हैं, उसके बाद फूड जो है वो सेल्स के अंदर इंटर हो जाता है और वहाँ मजीद टाइम चाहिए। अच्छा, हाइड्रा जो है तो सेसाइल, खैर हकीकत बताऊं ये सेडेंट्री है, ये सेसाइल नहीं है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा किसी जगह पे कि ये सेडेंट्री क्या होता है। वेरी स्लो मूविंग, लेकिन मूव करते हैं। तो ये बेसिकली लोग इसको सेसाइल समझते हैं क्योंकि 24 घंटे में आधा इंच बड़ी मुश्किल से सरकते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके टेंटिकल्स में ये स्टिंग सेल्स होते हैं, मैंने आपको चैप्टर 10 में पढ़ाया था, इसके जरिए से ये जहर उगा निकालते हैं और वो पानी को फॉइल कर देता है और शिकार बेहोश होके इनके अंदर आके पड़ जाता है। वेल, दोबारा से देखें, ये हाइड्रा जो कि प्रोटोस्ट्रोम है क्योंकि इसमें सिंगल बॉडी ओपनिंग है तो यहां से फूड आएगा, पहले 4 घंटे यहां डाइजेस्ट होगा, फिर मजीद डाइजेशन के लिए बॉडी के अंदर चला जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है इसकी ये खारे। वेरी एज फार एज प्लेनेरिया इज कंसर्न, तो प्लेनेरिया के पास भी एक माउथ होता है जिसको फेरेंजियल पाउच कहते हैं। ये फूड इसी के साथ पकड़कर फूड के 3 शेयर कर लेता है, ये इसका आगे की तरफ इंटेस्टाइन जा रहा है और 2 इंटेस्टाइन की ब्रांचेस नीचे की तरफ जा रही है, और आगे जाए गए हुए इंटेस्टाइन में और पीछे वाले इंटेस्टाइन में देखो ब्रांचेस 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 और ब्रांचेस है, इनको कहते हैं डाइवर्टिक्यूला। तो ये हाईली ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है प्लेनेरिया का, इसको डाइवर्टिक्यूला बोलते हैं। इसका फायदा ये है कि इस हिस्से में जो फूड डाइजेस्ट होगा तो जो गजाई अज्जा है वो यहाँ टिश्यू को यही मिल जाएंगे, हमारे वाला हिसाब नहीं है कि फूड को डाइजेस्ट करके उसको एक सिस्टम के तहत बॉडी में सर्क्यूलेट करते हैं। इसकी बॉडी में सारा इंटेस्टाइन हाईली ब्रांच्ड है, तो अगर यहाँ इस हिस्से में फूड डाइजेस्ट हुआ तो ये टिश्यू एनर्जी यही इसी से हासिल करेगा, यानी इनके अंदर कोई अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो यू शुड नोट व्हाट आर द डाइवर्टिक्यूला, ब्रांच्ड इंटेस्टाइन इज कॉल्ड डाइवर्टिक्यूला। जहां तक अर्थवर्म का ताल्लुक है तो ये अपने माउथ से खाना लेकर फेरिंग्स की तरफ ले आता है और फेरेंग से ये फिर पुश करता है एसोफेगस में और उसके बाद ये क्रॉप में। ये जो पार्ट है ये ऐसा पार्ट है जिसमें सॉलिड फूड को ये स्टोर करता है और फिर जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा खाना क्रॉप से उठाकर ये गिजर्ड में ले जाता है। ये गिजर्ड जो है वो पार्ट के चक्की के जैसे होते हैं, जैसे आटा पीसने की मशीन होती है ना, तो क्रॉप से थोड़ा खाना गिजर्ड में ले जाया जाएगा और गिजर्ड उसको पीस के पतला आटा कर देगा और फिर ये इंटेस्टाइन में जाएगा। तो गोया यहाँ 2 अल्फाज आपको नए मिल रहे हैं, एक है क्रॉप और दूसरा है गिजर्ड। क्रॉप जो है फूड की स्टोरेज के लिए, गिजर्ड जो है ग्राइंडिंग के लिए। तो ये सॉलिड फूड को मैकेनिकली गिजर्ड में डाइजेस्ट करके फिर इंटेस्टाइन में फेंकता है और रेस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो इंटेस्टाइन में। जहां तक काकरोच का ताल्लुक है तो उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम कोई मुख्तलिफ नहीं होता ऐसे अर्थवाम से, माउथ से लेता है फिर ये एसोफेगस। देखे इसमें ये क्रॉप, देखें दोबारा से देखें, क्रॉप है और ये इसका गिजर्ड है। तो यहाँ पर ढेर सारा खाना स्टोर करके थोड़ा थोड़ा गिजर्ड में
फेंका जाता है, और गिजर्ड में खाने की मैकेनिकल डाइजेशन होती है, और फिर केमिकल डाइजेशन के लिए खाना जो है इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो दो टर्म आपको जहन में नशीन कर लेने चाहिए, एक है क्रॉप और दूसरा है गिजर्ड। याद रखें कि काकरोच का शुमार ओमनीवोरस एनिमल्स में होता है, ये कुछ भी खा सकता है, और उसके पास ये जो टेंटिकल्स है, इनको एंटीना भी बोलते हैं, इसके जरिए से ये अपने खाने के जायके की मौजूदगी का पता लगा देता है कि खाना कहाँ रखा है, किस डायरेक्शन में रखा है, किस तरह का जायका है उसमें। तो काकरोच जो है वो इस तरह से अपना फूड तलाश कर लेता है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, और इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हमारे पास माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर भी पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तीन पोर्शंस में, फोर गट इसके स्टमक को कहते हैं, मिड गट इसके स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं, और हाइंड गट इसके लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं। नाम वही है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही है जैसे हमारे पास है, लेकिन इसके अंदर अलग है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। मेहनत कीजिए, आपके इम्तिहानात करीब हैं, रिवार्ड मेरा रब देता है अल्लाह।